हेलो फ्रेंड्स, भारत में चित्रकला के द्वारा भारत के विरासत को संजोकर रखने का एक विशेष माध्यम रहा है, जिसमें मधुबनी चित्रकला को सर्वोत्तम चित्रकला माना जाता है। आपको बता दें कि मधुबनी चित्रकला को अक्सर गांव की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इस कला को मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। यह चित्रकला हिंदुओं के धार्मिक रूप जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, शिव आदि से अभिप्रेरित होते हैं। साथ ही यह चित्रकला मुख्य रूप से सांकेतिक होते हैं, जैसे मछली की चित्रकला। वहीं यह चित्रकला विवाह और जन्म जैसे दृश्यों को अंकित करने का काम करता है। आपको बता दें कि इस चित्रकला को पूरा करने के लिए वृक्षों, पुष्पों आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि मधुबनी चित्रकला का विस्तार रूप रामायण काल के समय को माना जाता है। वहीं इस चित्रकला का विस्तार तब हुआ जब 1970 में जितबारपुर गांव की जगदम्बा देवी जी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद ही इस कला का विस्तार हुआ और इस कला को GI टैग भी प्रदान किया गया। वहीं अंतिम में आज का प्रश्न है, भारत में चित्रकला का अपना अहम योगदान रहा है, भारत में मधुबनी चित्रकला का विकास किस प्रकार से हुआ है, इसकी चर्चा कीजिए।